तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MySQL अपने कंप्यूटर में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका डाउनलोड तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आपने अपने गूगल में आना और यहां पर लिखना है MySQL.com, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड्स में आना है। उसके बाद विंडो, स्क्रॉल डाउन नहीं करना, आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, MySQL इंस्टॉलर। उसके बाद आपने नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे 373 MB वाली फाइल पे डाउनलोड क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपके आपको पूछेगा आपने अगर साइन अप करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो यहाँ पे नीचे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें डाउनलोड्स आ गया, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने सेटअप ओपन किया है, यहाँ पर आपने फर्स्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर फिर से नेक्स्ट, उसके बाद एक्सट्रैक्ट। तो ये हमारा डाउनलोड्स होना शुरू हो गया है, ठीक है, स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है इस वक्त। तो जितनी देर ये डाउनलोड हो रहा है उतनी देर मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है 100%, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा और हो रहा है, तो चलिए इस दफ़ा स्पीड से हो रहा है, ये अपग्रेडिंग हो रहा है, अपग्रेडिंग यानी कि जो फाइल मिसिंग होगी वो खुद ब खुद अपग्रेड कर लेगा अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होगा या अगर इंटरनेट कनेक्शन चालू होगा तो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अपग्रेडिंग, सारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है MySQL का, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज़र ने और यहाँ पे पासवर्ड हमने सेट करना है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड कोई भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्किप भी कर देते हैं, स्किप सिस्टम टेबल, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमने करना है स्टार्टिंग द सर्वर, ठीक है, हो जा भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा स्टार्टिंग द सर्वर, यहाँ पे ये देखें डॉट्स आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहा है। तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं कोई रीज़न आ रही है, शायद मेरा इंटरनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वजह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो एक दफ़ा हम और ट्राई करते हैं क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट द सर्वर पे क्लिक कर देना है और आपका MySQL चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।